नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एफसीएन में। मैं हूं निशा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल कस्टमर केयर के साथ कैसे बात करें। तो दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों, आपका कभी कभार तो प्रॉब्लम सभी का होता है, बीएसएनएल अगर आप सिम यूज़ कर दो तो आपका डाटा बैलेंस या नेट में कोई भी इशू वगैरह आ जाता है, या आपके सिम कार्ड में कोई भी इशू, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, तो आप बीएसएनएल कस्टमर केयर के साथ बात करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपको बहुत सारा नंबर मिल जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन या फेक नंबर। लेकिन दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताऊँगा, लाइव आपको दिखाऊँगा कौन सा नंबर पर बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर के साथ बात कर पाओगे, और कोई भी हेल्प, कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप रात के 1 बजे या 12 बजे जब भी कॉल लगा आपका फोन कनेक्ट होगा 100%। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आपको शुरू से आखिर तक देखना होगा, ताकि आपको भी जाके मालूम हो सके वीडियो में क्या बताऊंगा और क्या नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे पहले की जैसे, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले इसी खुशी में हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सिंपली ये देखिए सब्सक्राइब का बटन है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और साइड में जो घंटे का बेल है आपको ऑल में जरूर दबा के रखना है। कोई भी हेल्प या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, एड पब्लिक कमेंट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, ये आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डायलर पैड में चले जाना, सिंपली आपके जो फ़ोन डायलर है इसमें चले जाना, और जानने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा ध्यान से देखिए, 198 198 करके जैसे मैं लगा टाइप करूँगा, ये बीएसएनएल का नंबर है। अभी मैं आपको कॉल लगा के दिखाऊंगा, तो कॉल पे जैसे क्लिक करूँगा और जो बीएसएनएल सिम है मैं इधर से क्लिक कर लूँगा, तो अभी देखिए फ़ोन कैसे कनेक्टिंग होगा। वेलकम टू बीएसएनएल ऑटोमेटिक कंप्लेंट बुकिंग सर्विस, प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, हिंदी के लिए एक दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, लैंडलाइन कंप्लेन बुकिंग के लिए 1 दबाएं, ब्रॉडबैंड कंप्लेन बुकिंग के लिए 2 दबाएं, शिकायत के खिलाफ अपील दर्ज करने के लिए 7 दबाएं। कृपया एरिया का एसटीडी कोड एंटर करें। आपका एसटीडी कोड है 3। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। दोबारा एंटर करके इनपुट मान्य नहीं है, कृपया एरिया का एसटीडी कोड एंटर करें। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो दोबारा आपको कॉल लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये सुबह के लिए 2 नंबर होता है, एक सुबह के लिए होता है 198 करके, 198 से आप जब भी कॉल लगाएंगे इसका प्रोसेस से आपको कॉल लगा पाएंगे और कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आप ले पाओगे। और दोस्तों, अभी जैसे शाम हो गया, शाम के मतलब 12 बजे के बाद, मतलब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपको ये 198 होगा, और 12 बजे के बाद रात के 9 या 10 बजे तक आपका जो नंबर होगा तो आपका ये नंबर होगा। मैं दिखा देता हूँ कौन सा नंबर, ये देखिए, तो ये वाला नंबर होगा। जैसे मैं बीएसएनएल पे आपको कॉल लगा के दिखा देता हूँ, 1503 करके, तो 1503 पर आप जैसे रात में कॉल लगाएंगे तो आपका ये कॉल करेगा। तो अभी आपको मैं कॉल थोड़ा लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कॉल रिसीव करेगा नहीं करेगा, मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा रात हो गया तो इसलिए रिसीव नहीं भी कर पाएगा। तो इसमें कॉल लगा दिया तो आपको कुछ प्रोसेस बोलेगा, तो अभी मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। जानकारी के लिए 3 दबाएं। तो 3 जैसे प्रीपेड के लिए 1 दबाएं, बीएसएनएल पोस्टपेड के लिए